हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ सब सेहतमंद होंगे, खुशहाल होंगे। तो आज है गुरुवार और गुरुवार को हस्बैंड और मेरा दोनों का जो है ना व्रत होता है। तो हमने जो है ना हमारी गुरुवार की व्रत कथा पूजा वगैरह कर ली और आज जो है 1 फरवरी है और 1 फरवरी को जो है ना मेरे ब्रह्मा वर्षा मेरे दोनों ट्विंस बच्चे जो है ना पैदा हुए थे। तो वैसे तो वो जब पैदा हुए थे ना तो उस दिन बसंत पंचमी थी, तो नक्षत्र के हिसाब से तो इनका जन्मदिन बसंत पंचमी के दिन होता है, बट इंग्लिश कैलेंडर के हिसाब से 1 फरवरी को इनका बर्थडे होता है। तो बस बच्चों के बर्थडे की ही तैयारियां चल रही है। आज हस्बैंड ने जो है ना ऑफिस से ऑफ लिया है और बस बच्चों की बर्थडे की पार्टी की तैयारियां चल रही है। पूरे जो है ना हॉल को डेकोरेट कर रहे हैं आशीष और आशीष के पापा दोनों मिल के। ये सारी डेकोरेशन की प्लानिंग जो थी ना आशीष की थी, उसे सब कुछ जो है ना देख के अमेजोन से ये सारी चीज़ें ऑर्डर की है और पापा के साथ मिल के जो है ना सब डेकोरेट कर रहा है। बाय द वे आज आशीष ने भी स्कूल से ऑफ लिया है और ब्रह्मा की जो है ना थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी तो मैंने ब्रह्मा को स्कूल नहीं भेजा। एंड वर्षा को भी जो है ना हल्का सा कोल्ड कफ मुझे लग रहा था कि है और ऐसे में अक्सर जो है ना फिर वो बढ़ने की चांसेस होती है, तो मैंने जो है ना वर्षा को भी आज जो है ना छुट्टी दे रखी। तो आज ओवरऑल जो है ना सब घर पे है, सबकी छुट्टी ही हो गई है। तो बस ये सारी डेकोरेशन जो है ना हमने की और इसके बाद जो है ना सबसे बड़ा मेन टास्क है इस सोफे को कवर लगाना, बिकॉज देखिए बिना कवर के सोफा कितना अजीब ही दिख रहा था लिटरली। तो कवर लगा दिया हमने और उसके बाद ना इसकी जो है ना लिटरली काया पलट गई और मैं गई अब जो है ना बच्चों के लिए खाना वगैरह बनाने, क्योंकि बच्चों की तबीयत ठीक नहीं। तो मैंने ना सिंपल सा खिचड़ी बनाया है, वेजिटेबल खिचड़ी और दही। ऐसा देखिएगा कैसा दिख रहा है, ये अच्छा दिख रहा है, इस साइड थोड़ा सा छिट्टा हो गया। ब्रह्मा जो है ना बिल्कुल 2 दिनों से प्रॉपर कुछ खा पी नहीं रहा है, तो मुझे जो है ना इन गैजेट्स का थोड़ा सा सहारा लेना पड़ रहा है। वैसे तो मेरे बच्चों को आदत नहीं है फ़ोन देखना और खाना एंड ऑल दोस, बट सम टाइम वंस इन अ वाइल जब वो उन्हें ठीक नहीं लगता है तो मुझे जो है ना सेलफोन का जो है ना सहारा लेना ही पड़ता है, बिकॉज अगेन तबीयत खराब हो बच्चों की और वो खाएंगे पियेंगे नहीं तो और ज़्यादा जो है ना कमज़ोर हो सकते हैं। तो इसलिए मैंने जो ना एनी हाउ दही खिचड़ी बच्चों को खिला दी। और आज के शाम के मेनू में है वेज चाउमीन एंड पिज़्ज़ा और फ्रेंच फ्राइज़। तो फ्रेंच फ्राइज़ को जो है ना मैं पहले जो है ना हाफ फ्राई करके रख रही हूँ। हाफ फ्राई करने से क्या होता है ना कि जब आपको जिस समय चाहिए आप उसे डबल फ्राई कर लीजिए तो एक तो वो प्रोसेस जल्दी हो जाती है, दूसरा जो फ्रेंच फ्राइज़ होते हैं ना अच्छे क्रिस्पी करारे से बन के तैयार होते हैं। तो आप ये टेक्निक ना कभी भी ट्राई कीजिएगा किसी भी पार्टी ओकेशन के लिए ना, आप जो है ना दोपहर में या मॉर्निंग में भी इवन उसे जो है ना एक राउंड तल के रख दीजिए, बहुत ज़्यादा क्रिस्पी मत करिएगा। एक राउंड जो है ना 50% जितना आप उसे जो है ना फ्राई करके रख दीजिए एंड देन जब आपको ये चाहिए पार्टी के समय उसके 5-10 मिनट पहले इसे डबल फ्राई कर दीजिए, उससे जो है ना बहुत ही क्रिस्पी बनते हैं ये। और आज क्योंकि ब्रह्मा की तबीयत ठीक नहीं लग रही थी तो मैंने जो ना घर पे ज़्यादा कुछ भी नहीं बनाया है, बस थोड़े से फ्रेंच फ्राइज तल के रख रही हूँ। और इस समय पे जो है ना हस्बैंड बच्चों को लेके गए हैं केक लेने के लिए, बिकॉज बच्चे जो है ना केक को लेके बहुत एक्साइटेड रहते ही है और उन्हें जो है थोड़ा सा बोर भी लग रहा था, स्कूल ट्यूशन भी नहीं गए, तो बस हस्बैंड के साथ बच्चे जो है ना आ चुके हैं और अपना जो है ना केक खोल कर देख रहे हैं कि केक कैसा है। बिकॉज ब्रह्मा के लिए हमने थोड़ा सा एक पैटर्न सोचा था केक का जो कि आपको वीडियो में आगे दिख ही जाएगा, क्योंकि उसे जो है ना आजकल क्रिकेट का बहुत क्रेज़ रहता है तो हमने ना क्रिकेट की थीम दी है केक में। और वर्षा के लिए एज़ यूजुअल पिंक रोज़ जो गर्ल्स का फेवरेट होता है ना, तो पिंक बेबी रोज़ जो बेबी पिंक कलर होता है ना उस कलर का जो है ना हमने केक लिया है। और बस चाय रख रही हूँ मैं साइड बाय साइड हस्बैंड के लिए और मेरे लिए, बिकॉज व्रत है तो थोड़ा सा यू नो चाय की क्रेविंग भी होती ही है शाम को। और बस यहाँ पे साइड बाय साइड चाय चढ़ा दी मैंने, फ्रेंच फ्राइज तल रही हूँ और ये जो बड़े बड़े कवर आते हैं ना केक्स में काफ़ी काम के होते हैं तो मैंने इन्हें फोल्ड करके रख रही हूँ। और बस इसके बाद जो है ना बच्चों को भी रेडी कर दूँगी, शाम की पार्टी का टाइम ऑलमोस्ट हो चुका है और पार्टी के पहले जो है ना फिर दिया बत्ती भी कर लूँगी। तो यहाँ पर जो है ना हम सब रेडी हो चुके थे इस समय तक, लगभग 6 बजे का टाइम हुआ है और मैंने फिर से कढ़ाई चढ़ा दी है, बिकॉज फिर से जो है ना
डबल फ्राई करना है इन सारे फ्रेंच फ्राइज़ को। और ये वाली प्रोसेस में फ्रेंच फ्राइज़ बहुत जल्दी बन जाते हैं, एकदम क्विकली जो है ना क्रिस्पी हो जाते हैं। और यहाँ पे मैं तैयार होकर आई हूँ, मेरे बाल जो है ना आज प्रॉपर सेट ही नहीं हो रहे थे, तो एनी हाउ मैंने जो है ना थोड़ा सा कॉम चला के और ओपन हेयर ही लीव कर दिए। तो बस यहाँ पे मैं ना एक मसाला भी बना रही हूँ इस फ्रेंच फ्राइज़ के लिए, होममेड मसाला, सिंपल सा है, ज़्यादा कुछ मैंने तामझाम नहीं डाला है। चाट मसाला डाला मैंने इसमें, और थोड़ी लाल मिर्च, थोड़ा भुना हुआ जीरा का पाउडर, थोड़ा सा ब्लैक सॉल्ट और थोड़ा सा वाइट सॉल्ट। तो ये सारे मसाले डाल के ना मैंने फ्रेंच फ्राइज़ के लिए थोड़ा सा मसाला तैयार कर लिया, और ऊपर से बस गर्मा गर्म जो फ्रेंच फ्राइज़ होंगे ना उसमें मसाला डाल के और रेडी कर लूँगी। यहाँ पे जो है ना हस्बैंड मेरी हेल्प कर रहे थे, जो नूडल्स वगैरह आए थे ना उन्हें अनपैक करने के लिए। नूडल्स हमने क्योंकि बाहर से ही मंगाए थे, तो मैंने उनसे कहा कि आप एक हॉट पॉट में डाल दीजिए, सो दैट जो है ना उस समय हमें थोड़ा सा आसान होगा सर्व करना। तो वही बस सारे पैकेट्स जो है ना ओपन करके वो हॉट पॉट में डाल रहे हैं। और यहाँ पे ना सारे बच्चे भी आ चुके हैं, तो बच्चा पार्टी भी जो है ना स्टार्ट हो चुकी है। तो चलते हैं हॉल में और देखिए बच्चे लोग जो है ना खूब एंजॉय कर रहे हैं। यहाँ पे म्यूजिकल चेयर राउंड चल रहा है। फाइनली इस म्यूजिकल चेयर राउंड को जो है ना मेरी प्रिंसेस, मेरी डॉल, मेरी वर्षा रानी ने ही जीता। तो बस बड़ी खुशी हो रही थी, बस ये छोटी सी चीज़ है बट एक अलग ही खुशी होती है जब बच्चे यू नो खेलते हैं, एंजॉय करते हैं। तो बच्चों के साथ यू नो हम भी बच्चे ही हो जाते हैं कहीं ना कहीं इन सब में। तो ये है वर्षा रानी का केक, रोजी पिंकी पिंकी वाला, और ये है ब्रह्मा का केक जो कि क्रिकेट थीम पे बेस्ड है। और ये केक कटिंग के बाद भाई ने भी दो केक अगेन से भेजे, तो वो जो है ना मैंने फ्रिज में ही रख दिए और नेक्स्ट डे उसे जो है ना कंज्यूम किया, बिकॉज ये दो केक जो है ना काफ़ी अच्छे खासे इनफ थे। और हमारे घर में जब भी केक कटिंग होती है ना किसी भी ओकेशन में, तो ब्रह्मा बहुत एक्साइटेड होता है,
सबके फेस में आइसिंग लगाने के लिए। तो आज मैंने सोचा कि मैं भी ब्रह्मा पूजन बहुत अच्छे से आइसिंग लगाती हूँ, बिकॉज इसे ना दूसरों को आइसिंग लगाने में बड़ा ही मज़ा आता है। तो आज हालांकि उसकी तबीयत इतनी अच्छी थी नहीं, बट फिर भी मैंने जो ना उसे थोड़ा सा नॉर्मल मोड में लाने के लिए थोड़ी सी आइसिंग अप्लाई की उसके फेस पे। बस यहाँ पे जो ना हम बच्चों की प्लेट सर्व कर रहे हैं, नूडल्स, फ्रेंच फ्राइज एंड पिज़्ज़ा। पिज़्ज़ा जो है ना भाई ने भेजा था बच्चों के लिए, पिज़्ज़ा एंड केक। बट देन अगेन हमने सोचा कि पार्टी के बाद पिज़्ज़ा बच्चे क्या ही खाएंगे, उसके बाद पेट भर जाएगा इसमें। तो हमने क्या किया ना कि उन्हीं पिज़्ज़ास को जो है ना छोटे टुकड़ों में कट करके, दो हाफ में करके, और इन प्लेट्स में ही बच्चों को जो है ना मैंने इस तरीके से मैंने कट करके सारे बच्चों को सर्व कर दिया। बिकॉज अगेन हस्बैंड और मेरा भी फास्ट था, और बच्चे पार्टी में ये सारे स्नैक्स खाने के बाद अगेन फिर से जो है ना आई डोंट थिंक सो कि कुछ खाते, तो इसलिए मैंने जो है ना थोड़ा सा ये वाला जुगाड़ लगा के बच्चों को जो है ना पिज़्ज़ा खिला दिया यहाँ पे। तो यहाँ पे जो है ना भाई के दो केक आए हैं अगेन से, बहुत ही सुंदर और प्यारे वाले केक जो है ना ऑर्डर किए थे उसने। दो केक और एक अंदर करके से मिले आप। बाबू केक मोगला दे। तो ये है मामा का केक, एक वर्षा के लिए रसमलाई वाला केक, और ये एक कैरमल केक ब्रह्मा के लिए। दोनों में ब्रह्मा वर्षा लिखा था। तो फिलहाल मैंने ये दोनों केक जो है ना फ्रिज में रख दिए हैं, और इसे हम जो है ना कल कंज्यूम करेंगे नेक्स्ट डे। तो फ्रेंड्स बस मैं ये वाला ब्लॉग जो है यहीं पे एंड करती हूँ। 9:15 का टाइम हो चुका है, बच्चों का बर्थडे पार्टी हो चुका है। आप भी जो है ना ब्रह्मा को ढेर सारी ब्लेसिंग्स एंड आशीर्वाद दीजिएगा कि बच्चों पे कृपा बनी रहे मेरे सदगुरु की। तो बस चलते हैं फ्रेंड्स, ये वाला ब्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ। वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल पर पहली दफ़ा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए फिर जल्दी मिलते हैं एक नए वीडियो में, एक नए ब्लॉग में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।